जल्दी सोना और फिर सुबह जल्दी उठना। सुबह का वो समय वाइब्रेशन हाईएस्ट है। आप में से कौन कौन ने 4 बजे का अनुभव किया? बहुत बहुत मुबारक। अब मन को आदत तो पड़ी गई 4 बजे उठने की। एवरी स्मॉल शिफ्ट इज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। जो चीज कभी नहीं की थी, हाँ कभी यूएसए जाना था तो आधी रात को उठ के जाते थे, फ्लाइट लेने के लिए उठते हैं ना ऐसे लेट टाइम, जल्दी के टाइम पर, लेकिन मेडिटेशन करने के लिए हम उठे 4 बजे। अपने आप को मुबारक देनी चाहिए उसके लिए कि मैं आत्मा मेडिटेशन करने के लिए 4 बजे उठी। दिस इज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। अपने आप को अप्रिशिएट करते हुए, अपने आप को अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अप्रिसिएशन हमारी एनर्जी को क्या करती है? बढ़ाती है। तो मैंने 2 दिन किया तो अब मैं अगले दिन भी। सुबह उठने की मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ रात को समय पर सोने का ध्यान रखना है। जो सो जाएगा जल्दी, हाँ तो वो तो उठ के बैठ ही जाएगा, उसको नींद थोड़ी आएगी। 10 बजे सो के कोई 7 बजे तक तो उठ सो नहीं सकता है। सो वी डोंट हैव टू टेक केयर अबाउट व्हाट टाइम टू वेक अप, वी ओनली नीड टू टेक केयर ऑफ व्हाट टाइम टू स्लीप। जीवन शैली है, सोने का समय सात्विक होना चाहिए, उठने का समय भी सात्विक होना चाहिए। सुबह के समय पर उठ के मेडिटेशन में बैठकर अगर आप अपने काम के रिलेटेड भी कुछ बातों पर चिंतन करेंगे, क्योंकि उस समय वातावरण के सारे जो तनाव वाले मन हैं वो क्या है, उस समय सो रहे हैं। इट्स लाइक कहीं हमें पहुंचना है तो हम कहते हैं ना सुबह जल्दी निकलो, सड़क खाली, इंटरनेट से हैवी फाइल डाउनलोड करनी है सुबह कर लो, इंटरनेट स्पीड हाईएस्ट। कुछ अच्छी बात सोचनी है सुबह सुबह कर लो, वातावरण का हाईवे बिल्कुल खाली होता है। बहुत गहरी गहरी बातें मन में चिंतन में निकल कर आती हैं सुबह 4 बजे। उसके लिए समय पर सोना, समय पर नींद अपने आप खुल जाएगी। सोने से पहले अपने पेरेंट को कह देना, बच्चे कहते हैं ना एग्जाम के दिन मम्मी मेरे को सुबह 4 बजे उठा देना, तो हम बाबा को कहते बाबा हमको सुबह 4 बजे उठा देना। सोने नहीं देगा उसके बाद वो 4 बजे, सोने नहीं देगा। आप उसको सिर्फ बोल दो एक बार, उसके बाद वो आपको सोने नहीं देगा 4 बजे। कहेंगे पता नहीं क्या है, नींद ही नहीं आ रही 4 बजे के बाद, आएगी नहीं। और थोड़े दिन के अंदर वो क्या बन जाएगा, आदत। सुबह हर एक घंटे के बाद, रात को सोने से पहले एंड खाने से पहले, पानी पीने से पहले, उस खाने में और पानी में अपना संकल्प डालकर, जैसा अन्न वैसा मन, तो अन्न के अंदर अपना संकल्प डाल दिया तो वो मन पर अगले 2 घंटे तक काम करता है। पानी के ग्लास में अपना संकल्प डाल दिया, जैसा पानी वैसी वाणी। पानी पीने से पहले 20 सेकेंड पॉज, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, लाइट हूँ, ईजी हो, मैं सत्योगी आत्मा हूँ। अपना ग्लास लेके आइए सामने, जरा पानी का ग्लास सामने लेकर आइए। अगर इसको हमने एनर्जाइज नहीं किया, इसमें दुनिया की सारी बातों की वाइब्रेशन है, तो मेरा सुबह का जो संकल्प है ना वो फीका पड़ जाता है जब मैं बहुत भारी वाइब्रेशन का पानी पी लूँ या खाना खा लूँ। ये पानी में कभी कभी किसी की टेंशन भरी होती है, वो खाने में जिसने बनाया है उसकी चिंता और डर भरा होता है, तो मेरा सुबह वाला संकल्प क्या हो जाता है, ओवर पावर हो जाता है। इसलिए मुझे खाने से पहले पानी से पहले 30 सेकेंड पॉज। परमात्मा की सर्व शक्तियाँ इस पानी के कण कण में हैं। ये पानी पानी नहीं, सत्योगी अमृत है। मैं सत्योगी डिवाइन आत्मा हूँ, मेरा काम परफेक्ट स्मूथ, मीटिंग आज की बहुत बहुत ब्यूटीफुल।
जैसा पानी वैसी वाणी। 30 सेकेंड्स खाने से पहले, 30 सेकेंड्स पानी पीने से पहले, और कुछ पीने से पहले नहीं। संकल्प पावरफुल होते हैं, लेकिन इतने पावरफुल नहीं होते जो बहुत तामसिक चीज़ों को सात्विक बना दें। हर चीज़ की अपनी एक वाइब्रेशन है। इतना थोड़ा थोड़ा कर लिया, और जो हमने सबसे पहले हाँ जी कहा, हम सेंटर जाकर परमात्मा का ज्ञान सुनेंगे। अखबार नहीं सुबह सुबह, न्यूज़ नहीं सुबह सुबह, ज्ञान से शुरुआत करेंगे दिन के। एक ऐसे वातावरण में जहाँ सारे जो बैठे हैं वो हाई वाइब्रेशन पे हैं, संघ का रंग लग जाता है। फरिश्तों के संग में बैठेंगे, फरिश्ते बन जाएंगे। गलत काम करने के वालों के संग में बैठेंगे तो खुद भी उसका रंग भी हमारे ऊपर लग जाएगा। और जब इतनी ताकत हम अपने अंदर भर लेंगे तो हम अपने तरीके बनाएंगे काम करने के और बिजनेस करने के। आपने थर्सडे को ताली बजाई थी कि आप सत्योगी तरीके से कारोबार और काम करेंगे जाने के बाद। यस, वो प्रतिज्ञा कायम है। यस, हाँ जी। तो उसके लिए सिर्फ क्या करना है, मैं सत्योगी आत्मा, सत्योगी आत्मा बिजनेस भी सत्योगी तरीके से ही करती है, और उसमें देने की भावना, सेवा करने, बिजनेस भी सेवा है। दुनिया में इस समय क्या हुआ, धर्म अलग कर्म अलग। धर्म में दान पुण्य पूजा पाठ, कर्म में ऐसे कैसे बिजनेस चलेगा, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। तो धर्म और कर्म अलग हो गया। स्पिरिचुअलिटी मतलब हर कर्म धर्म के आधार पर चलेगा, और धर्म मतलब मुझ आत्मा का धर्म, पवित्रता, ज्ञान, शांति, प्रेम, शक्ति, वो 7 गुण मुझ आत्मा का धर्म, वो हर कर्म में जब आएंगे तब मैं कर्म योगी आत्मा। तो सत्योगी आत्मा दूसरों का फायदा सोचते हुए, अपने से पहले भी दूसरों को सहयोग देते हुए जब सेवा करेंगे तो फिर सेवा 24 आवर्स चलती है। जब आप रात को सोएंगे ना, तब भी आपसे ब्यूटीफुल वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रहे होंगे। 24 आवर्स सेवा, जो सारा दिन सेवा करेंगे कितना पुण्य कमाएंगे, जो सारा दिन सेवा कर रहे हैं वो कितना पुण्य कमाएंगे, और जो इतना पुण्य कमाएंगे वो खुश, खुश के अलावा कुछ और वो रह ही नहीं सकते। और जो पुण्य कमाएंगे, दुआएं कमाएंगे, वो सारा दिन उड़ते रहेंगे, लाइट लाइट लाइट। और जो खुद उड़ते रहेंगे, उनके परिवार भी, उनके कर्म के साथी भी उनके साथ उड़ते रहेंगे।